जैसा आप जानते हैं कि नवरात्रा जो साल में हमारे दो बार हम लोग माता का पूजन करते हैं और लोग बड़ी श्रद्धा से इस पूजन में विधिवत अपने अपने घरों में मंदिरों में करते हैं। वैष्णो देवी जी की भी श्री माता वैष्णो देवी जो भवन में भी लोग हाजिरी देते हैं, तो जो अब नवरात्रा हमारे 29 से 7 तक महाउत्सव जो है शारदीय नवरात्रों का, उनका बड़ा महत्व है, बड़ा उत्तम माना गया है। हर साल पिछले लगभग 23 साल से नवरात्रा फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है कटरा में, उसी तरह विधिवत इस साल भी नवरात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नवरात्रा उत्सव में फेस्टिवल में जो कि श्राइन बोर्ड और टूरिज्म विभाग हमारी जम्मू कश्मीर की जो संयुक्त उनका ज्वाइंट एक इंडेवर है, उनकी वेंचर है, वो इस साल भी उसी शोभा के साथ और सहयोग के साथ आयोजन किया जा रहा है 29 से 7 तक। हर साल नवरात्रों में जो यात्री हैं ना केवल माता के दर्शन करते हैं बल्कि हमारी स्टेट में, राज्य में, जम्मू में, रियासी में, उधमपुर में आके कुछ समय भी बिताते हैं और यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो महोत्सव जो है वो ना केवल उसका धार्मिक महत्व है बल्कि हमारी राज्य में जो टूरिज्म है, जो सैरो सेहत है, उसको भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। इस साल जैसे मैंने बताया कि 29 से 7 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ये आयोजन किया जाएगा। अलग अलग प्रोग्राम जो हैं इस पूरी इस सिलसिले के दौरान उनका आयोजन होगा। पहले तो 29 तारीख को 11 बजे इसका शुभारंभ होगा, विधिवत शुभारंभ होगा। उसके बाद उसी दिन शोभा यात्रा निकाली जाएगी और हर दिन ये शोभा यात्रा जो है 29 से लेकर 7 तक इसका आयोजन किया जाता है। बाज़ारों से निकलती है, अलग अलग जगहों पे इसका पड़ाव होता है और फिर ये काफ़ी लोग इसमें उपस्थित रहते हैं। और इस शोभा यात्रा के बाद माता की कहानी, हास्य और व्यंग्य का एक सम्मेलन किया जाता है, कवि सम्मेलन होता है। काफ़ी वर्षों से जो एक आकर्षण का केंद्र रेसलिंग कंपटीशन जो है वो उसमें अलग अलग हिस्सों से ही नहीं देश के बल्कि पूरी दुनिया से आके जो रेसलर्स हैं, पहलवान जो हैं, वो अपने हुनर का यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, वो भी एक आकर्षण केंद्र रहता है। इसके अलावा स्पेशली एबल्ड जो हमारे दिव्यांग हैं उनका भी पिछले कुछ वर्षों से प्रोग्राम जो हैं उनको आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ ऑल इंडिया भेंट कंपटीशन, आप जैसा जानते हैं कि एक शुरू से ही ऑल इंडिया भेंट कंपटीशन में बहुत सारे लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे कलाकार जो हैं उन्होंने ख्याति प्राप्त की है देश में, दुनिया में, और मतलब कला के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा फिर आगे जाके कंट्रीब्यूशन किया। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे लगभग 1 महीना पहले एक हम लोगों ने मीटिंग की थी सब डिपार्टमेंट्स के साथ और उसके बाद अलग अलग जो कमेटीज़ हैं उनको एक रूपरेखा दी गई थी। वो जो सब कमेटीज़ और कमेटीज़ जो हैं वो उनको हेड मुख्य तौर पे डायरेक्टर टूरिज़्म CEO साहब हमारे श्राइन बोर्ड के और अलग अलग ऑफिसर जो हेड कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं अपने अपने शोबों में और जो क्षेत्र हैं उनमें जो महारत रखते हैं वो भी हेड कर रहे हैं। और इन कमेटीज़ के माध्यम से जो अलग अलग प्रोग्राम जो हैं हमारे, चाहे कला क्षेत्र में हो, बेंड कंपटीशन हो, रेसलिंग कंपटीशन हो या शोभा यात्रा जो है, उनकी तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं। और 29 तारीख को आप देखेंगे कि कटरा में एक अलग तरह का आपको माहौल नज़र आएगा, एक पूरा फेस्टिव माहौल जो है वो 7-8 दिन जो है 9 दिन के करीब जो आपको मिलता है, इस साल भी उसी तरह से और उससे भी बेहतर आपको मिलेगा। हमारे डिप्टी कमिश्नर रियासी जो हैं वो नोडल ऑफिसर हैं इस पूरे आयोजन की, महायोजन की, और उन्होंने भी इसमें हर रोज़ जो है वो इसको खुद रिव्यू कर रही हैं। कटरा में कुछ और चीज़ें भी, साफ़ सफाई, स्वच्छता, दीवारों को पे रंग रोगन और बिल्डिंग्स का भी जो एक नई उनको शक्ल दी जाती है जिससे कितना है और आकर्षित करता है बहुत सारे
टूरिस्ट को कटरा टाउन की तरफ। तो अब मिनरी और हमारा विभाग जो है इंफॉर्मेशन का, वो भी इसको टूरिज्म विभाग की शिरकत से इसको पब्लिसाइज कर रहा है। मेरी अपील रहेगी सब श्रोताओं से, देखने वालों से, जो आपके चैनल के चैनल्स के माध्यम से पूरी हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंच रहा है कि कटरा में आके इन नवरात्रों में दर्शन करें माता के, इसके लिए कि किया जाएगा हर साल की तरह विधिवत रूप से यात्रियों के रहने के लिए, उनके सुख सुविधा के लिए हर वो इंतज़ाम किया गया है जो हर साल किया जाता है, और इस साल भी वही इंतज़ाम जारी रहेंगे। डिस्काउंट भी और बाकी भी जो इंसेंटिव जो हैं आने वाले लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि उनका स्टे जो है वो कंफर्टेबल हो, इकोनॉमिकल हो। तो मेरी अपील रहेगी कि यहाँ पे पूरी तरह से जो शांति का माहौल है और जो जिस तरह से ये एक श्रद्धा का वातावरण यहाँ पे तैयार होता है उसमें शमूलियत करके आप भी माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, और यहाँ की जो मेहमान नवाजी है हमारी स्टेट की उसको आप इंजॉय करें। सुचारू रूप से चल रही है और मैं इस साल भी उम्मीद करता हूँ, मेरी विनती रहेगी मुल्क में और बाहर रहने वाले हमारे जो श्रद्धालु हैं वो आएँ, दर्शन करें माता के। यहाँ पे हर वो उस तरह का इंतज़ाम स्टेट में है, चाहे वो सिक्योरिटी के लिहाज से हो, उनके रहने ठहरने का हर इंतज़ाम जो है वो बहुत अच्छी तरह से है, और मेरी अपील रहेगी उन लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके माता जी के दर्शन करें। सर ये जिस तरह से ये सिर्फ मोबाइल टेलीफोनी तक या इंटरनेट तक ही महदूद है, बाकी ब्रॉडबैंड सर्विसेज और ख़ासकर कटरा में वैसी सर्विसेज जो है उनको ब्रॉडबैंड के जरिए मुहैया कराया जाएगा। ट्रेडिशनल रूट है हमारा कोरकंडोली माता से, जो ट्रेडिशनल रूट है जहाँ से यात्रा जाती थी पहले, क्या आज उसको दोबारा उस ट्रैक के ऊपर श्रद्धालुओं को ले लिया जाएगा कि नेशनल हाईवे से ही ले जाएगा? देखिए, जहाँ तक आपने ट्रेडिशनल रूट की बात की, माता के जाने के लिए पुराने ज़माने में एक रूट नहीं था, बहुत सारे रूट को लोग लेते थे। अगर पौनी से आने वाले लोग हैं तो उस रूट का इस्तेमाल करते थे, नगरोटा से जाने वाले उस रूट का, और इसमें लोगों ने अपने लेवल पे उसको यात्रा भी जाती है। और मेरा ये मानना है कि जो हमारा रूट आज का रूट है जिसमें कि बहुत सारे वर्षों से लोग जा रहे हैं, वही हमारे लिए ट्रेडिशनल रूट है। ट्रेडिशनल रूट का जो आपकी धारणा है वो समय समय से लोगों ने अलग अलग रूट को अख्तियार किया, मेन तो बेस कैंप से जो ऊपर वैष्णो देवी जी जाने वाला रास्ता है मेरे लिए वही ट्रेडिशनल रूट है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल रूट के ऊपर यात्रियों को लेने और ले जाने के लिए कोई व्यवस्था? ट्रेडिशनल रूट जो है वो आज के जो रूट्स है वही मेरे लिए ट्रेडिशनल रूट है। वो होगा, उस पर विचार किया जाएगा। देखिए, जो यात्रा एक इस पूरे नवरात्रा फेस्टिवल की जो रूपरेखा वो इस तरह से तैयार की गई है कि माता के दर्शन करें और लोग निहारें, लुत्फ उठाएं, हमारी जो व्यंजन है, हमारा कल्चर है, और यही हमारी स्टेट का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जो कुछ कल्चरल आइटम्स हैं उनको भी प्रदर्शन किया जाए। और मैंने जैसे बताया कि इस साल भी उन सब कल्चरल आइटम्स का जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। पहले दिन जो झांकी होती है वो बहुत एक महान ग्रैंड एक ओकेजन रहता है जिसमें कि विशाल तौर पे एक हमारी स्टेट के और जम्मू संभाग के, खासकर रियासी, उधमपुर और जो गिरदोनवा के ज़िले हैं, उद डांस है, बाकी और जो डांस हैं उनकी जो कला है, उनके जो नाच गाना है, उनके जो व्यंजन है और बाकी जो कलाकृति है उनका प्रदर्शन किया जाता है, और इस साल भी उनको किया जाएगा और बहुत भारी स्केल पे किया जाएगा। रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वो पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए माना जाता है, माता वैष्णो देवी श्राइन के अलावा शिवखोड़ी वहाँ पे है, नौ देवियाँ वहाँ पे हैं, बाबा श्यार, बाबा धनसर जैसी जगह भी हैं। तो जो यात्री इस बार खासकर नवरात्र में जो लोग आएंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा बंदोबस्त है कि वो माता वैष्णो देवी श्राइन के दर्शनों के? देखिए, ये जगहें कोई नई जगहें नहीं है, हर साल लगभग 20 लाख यात्री जो शिवखोड़ी भगवान शिव के दर्शन करता है, और वह भी ये रवायती रूट, जो ट्रेडिशनल रूट की बात की ना, वो रवायती रूट है और लोग जाते हैं। इस साल भी पब्लिसाइज किया गया है, स्पेशल काउंटर जो है हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कायम किए हैं, हमारी श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड ने भी कायम किए हैं, और इन लोगों को
जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको भी आकर्षित किया जाएगा और उनके रहने के उनकी फैसिलिटेशन के हर वो इंतज़ाम किए गए इन जगहों पे भी, क्योंकि जो ये पड़ाव हैं अगर आप उस रूट से जाएं, नौ देवियां हैं, बाबा धनसर हैं, आपके डेरा बाबा बंदा बहादुर हैं, फिर शिवखोड़ी के साथ फिर वो पूरा सर्किट पूरा होता है। लगभग जैसे मैंने बताया 20 लाख के यात्री करीब जाते हैं। इस साल भी इस यात्रा के दौरान यात्रियों का पड़ाव ज़्यादा हो, उनकी रिटेंशन ज़्यादा हो, हमने पब्लिसाइज किया है ताकि यात्री जो हैं चाहे वो उनकी ठहरने की व्यवस्था हो, गाड़ियों का इंतज़ाम हो, अगर उनको वहाँ से जाना है अपनी गाड़ी से हैं तो हम उनको वहाँ रागिब करेंगे, अगर गाड़ियों की दिक्कत है तो उसके लिए भी जो ट्रांसपोर्ट के जो टूरिज़्म महकमे ने और बाकी जो वहाँ की अपना लोग हैं वहाँ के जो व्यवस्था चलाने वाले हैं। मैं यहाँ पर ये चीज़ भी थोड़ा सा साफ करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का रोल एक पेरिफेरल रहता है फैसिलिटेट करना। हमारी कोशिश ये है कि वहाँ का होटलियर, हमारी स्टेट का, कटरा का, बाकी जगहों पे जो गाड़ी चलाने वाला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इससे इकोनॉमिकली फ़ायदा पहुँचे और उन सब चीज़ों को उनको भी इंटीग्रेट किया गया। जैसे मैंने बताया सारी कमेटी जो हैं सिविल सोसाइटी के लोग उनको ड्राइव कर रहे हैं, हम उनको सहयोग दे रहे हैं, जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनको भी इंटीग्रेट किया गया है जम्मू से लेके और पूरी बाकी जितने भी ज़िले हैं, ताकि उन लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचे और वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं और वो खुद भी इसमें काफ़ी आगे आके लोगों को मदद कर रहे हैं और उनका सहयोग हमें मिलेगा और लोगों को उस तरह भी रागिब किया जाएगा। सर, हो मच नंबर ऑफ पीपल यू एक्सपेक्ट? लगभग 3 लाख यात्री हर साल इन नवरात्रों में दर्शन करते हैं। 3 लाख 7 हज़ार के करीब करीब 2017 में था, 3 लाख 20 हज़ार के करीब करीब 2018 में था। मैं उम्मीद रखता हूँ कि लगभग 3.5 से 4 लाख यात्री जो हैं इस साल भी आएंगे। जो हमारे CO साहब हैं खुद इन्होंने कॉन्टैक्ट प्रोग्राम रखा है इंटरनेट के माध्यम से, लोगों के इनके जो अपना नेटवर्क है, इनका अपना जो चैनल है उसके माध्यम से। डायरेक्टर टूरिज़्म भी कुछ दिनों पहले कलकत्ता का लंबा दौरा उस एरिया में लगा के आई हैं ताकि वो रोड शोज़ किए जाएँ। इसी तरह से गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, बाकी जितनी भी जगह से आने वाले जो यात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं और पिलग्रिम्स हैं, उनको आकर्षित किया जाए। यहाँ तक सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की, वी आर फुली प्रिपेयर्ड। हर वो इंतज़ाम सिक्योरिटी के लिहाज से किया गया है, जिसमें बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं वो किया जा रहा है और हम वचनबद्ध हैं यात्रियों को, पिलग्रिम्स को और जो भी हमारी रियासत में आने वाला और जो लोग हैं उनको सुरक्षा को प्रदान करने के लिए। तो इस बारे में निश्चिंत रहें, माता रानी पर पूरा भरोसा रखें। ऐसा कुछ नहीं है, भवन और ट्रैक पे कोई काउंटर्स नहीं है और जैसा पहले वहाँ पर पहले भी जो है ऐसा नेट नहीं होता था और ना ही, क्योंकि ट्रैक पे कोई भी चीज़ ऐसे करने से पहले हमें सिक्योरिटी की वो क्लियरेंस देनी पड़ती है, विच इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। तो वैसा नहीं, आई थिंक सर जो रेफर कर रहे थे वो कटरा का, ये कटरा टाउन का जो ब्रॉडबैंड होटल्स वगैरह का ही कर रहे हैं। आपका कहना है ट्रैक जो ट्रेडिशनल था, जो पहले चल रहा था, वो चल रहा है। कटरा में अगर CO साहब के दफ्तर में ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं तो अवेलेबल हैं, होटल में अगर हैं तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज अवेलेबल हैं। जैसे मैंने पहले क्लियर किया कि मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, बाकी ब्रॉडबैंड सर्विसेज तो यहाँ पे भी चल रही हैं, दफ्तरों में भी चल रही है, होटल में भी चल रही हैं। वो उस पर विचार हो रहा है और मैं जल्दी उसके बारे में बता दूंगा कि जो हमें इंफॉर्मेशन होगी। बिल्कुल जैसा आपने कहा, नवरात्रों में भवन एरिया सजाया जाता है जो एसेंशियली स्टार्ट हो जाता है मनोकामना भवन से लेके गुफा तक, और उसमें फूल और फल जो है वो बहुत हाई क्वालिटी के इंपोर्टेड होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो फूल आते हैं वो हॉलैंड से, थाईलैंड से, सिंगापुर से, पालमपुर से, ऊटी से, उत्तर प्रदेश से, इन सभी जगहों से फूल आते हैं। और जो फ्रूट्स आते हैं उसमें एप्पल जो होता है वो हरा एप्पल वो न्यूजीलैंड से आता है, और नारियल होता है उसमें ग्रेप्स होते हैं जो इटली से आते हैं, और मौसमी होती है जो हमारे यहीं से आती है। तो इस प्रकार की सजावट की जाती है। और जो गोल्डन गेट आपने कहा वो बेसिकली श्राइन बोर्ड ने डोनेशन पॉलिसी अप्रूव की थी इस साल अप्रैल में। उस डोनेशन पॉलिसी में डोनर्स को इनवाइट किया गया था कि अगर आपकी इच्छा है एंड यू वांट टू टेक अप प्रोजेक्ट्स विच श्राइन आल्सो वांट, सो वी वेलकम यू। तो उसी पॉलिसी के तहत डोनर्स सामने आए थे और गोल्डन गेट जो है ये बनाया गया। ये जो पहला मार्बल का द्वार था
वो लगभग 14 साल पुराना हो गया था और उसको भी अब रिपेयर चाहिए थी। तो ये भवन की कमेटी ने ये फैसला लिया कि ये गोल्डन गेट जो है ये बिल्कुल आइडियल होगा गॉडेस लक्ष्मी के एंट्रेंस पे। तो उसी तहत हमने इसकी प्लानिंग ऐसी की थी कि ये नवरात्रों में ये दिखना चाहिए। इसकी जो है हमने बैक होमवर्क ऐसा किया था कि 2.5-3 महीने उस पर काम होना है। उसकी लेबोरेटरी भवन में ही बनी थी और आज भी लगभग 7 दिन का फाइनल काम बाकी है और 7 दिन का फाइनल काम बाकी है और आई थिंक 29th को ये फुल्ली रेडी होगा। लेकिन अगले 2-3 दिनों में हम आपको एक पिक्चर फॉर्मली रिलीज करके आपको दिखा देंगे क्योंकि उसका फ्रंट फैसाड जो है वो रेडी है और वो आ गया है। सो वी विल रिलीज दैट पिक्चर फॉर द मीडिया। प्राइस कहते हैं दैट इज ऑलरेडी देयर, इट इज़ नॉट इस दफ़ा, इट इज़ देयर फॉर द लास्ट 17 ईयर्स। सो वट एवर इज देयर फॉर द लास्ट 17 ईयर्स कंटिन्यू टू बी देयर।